अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आमनास किचन। दिस इज़ मी आमना सईद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त से चिकन सैंडविच की रेसिपी। तो इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और फीडबैक ज़रूर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लेना। वहाँ पर इंस्टाग्राम स्नैक और एफबी का लिंक होता है, तो वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने ले लिया था पैन, उसमें मैंने ऑयल गर्म किया था 1 टेबल स्पून जितना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने इसमें 2 प्याज कट करके डाल दी थी और उनको मैंने सॉफ्ट कर लिया था हल्का सा। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है 1 शिमला मिर्च जो है ऑमलेट कट ही कट करके इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब शिमला मिर्च को जब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। आपने इसको जो है ओवर कुक नहीं करना है शिमला मिर्च को, ठीक है। उसके बाद चिकन बॉयल करके मैंने रखी थी, तोड़ के उसके अंदर रेशा रेशा सा कर लिया था उसको, और उसके अंदर मैंने इसके अंदर डाल दिया है पैन में उसको। और बॉईल करते टाइम जो है मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और काली मिर्ची डाली थी, ठीक है। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। पूरा रेसिपी कार्ड मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके देख लेना। उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है सारी चीज़ों को, और बस हमारा जो सैंडविच में लगाने के लिए हमने जो रेडी करना था तो वो रेडी है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ये प्रॉपर जो है वो ठंडा हो गया है। तो अब इसके अंदर हम लोग 3 टेबल स्पून भर के मायनीज ऐड करेंगे। तो मायनीज ऐड करने से ये होगा कि इसके अंदर जो है एक बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा और बहुत मज़े का लगेगा। तो ये सैंडविच इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने मज़े के लगेंगे ना आपको कि आप लोगों का दिल चाहेगा कि आप इस सैंडविच को रोज़ाना बनाएं, रोज़ाना खाएं। तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब केचप और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर जो है अच्छे से प्रॉपरली इवनली जो है हम इसको लगा देंगे कॉर्नर्स वगैरह पे, सेंटर में, हर जगह। उसके बाद जो है दूसरा पीस रख के इस पर इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। पैन को अगेन गर्म करेंगे, उस पर ऑयल बटर या फिर घी ग्रीस करेंगे, उस पर हम अपनी ब्रेड रख देंगे। उसके बाद सैंडविच को हम पलट देंगे जब एक साइड पर कलर आ जाएगा, और फिर सेकेंड साइड पर भी इसी तरह घी, ऑयल या बटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो इसके अंदर डालोगे और इसको प्रॉपर सा खूबसूरत सा कलर देके निकाल लोगे और कट करके सर्व कर लोगे। तो देखा है ना कितनी मज़ेदार सी, सिंपल सी, इजी सी और क्विक सी रेसिपी। तो इसको ट्राई करना, फीडबैक ज़रूर देना। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं इसी तरह की मज़े मज़े की इजी और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। मुझे दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में आपसे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।